चलिए आगे, सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना करना है तुम्हें? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज नेट प्रॉफिट कितने का लोगे? फॉर पास्ट थ्री प्रिसीडिंग, बोलो, फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल का क्या ले लो नेट प्रॉफिट, उसका एवरेज निकाल लो, उसका 2%। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट कुछ भी होगा, 5 करोड़ से तो ज्यादा ही होगा, नहीं हो सकता है, मतलब ऐसे तो नेटवर्थ क्राइटेरिया से भी लोग आ सकते हैं, टर्नओवर से भी आ सकते हैं, हटाऊं ऐसे? अब देखो, पिछले साल में तुम्हारा प्रॉफिट था 15 करोड़ का, उससे पहले था 7 करोड़ का, 15 7 22 और फिर 8, कितना हो गया? 15 7 22 और 8, इसका एवरेज निकालो, उसी हिसाब से क्वेश्चन बनता है मेरा। तो 10 का कितना परसेंट? कितना? 10 का 2% निकालने में ये हालत है तुम लोग का? चलो इसमें ले देता हूं, ये एक अच्छा चीज करता हूं, रुपीज इन करोड़। अब ठीक है, अब कितना आएगा? 10 करोड़ का 2%, 10 करोड़ का 1% 20 लाख। तो आंसर इज 20 लाख। 20 लाख रुपया तुम्हें कहां खर्च करना है, जल्दी बोलो, सीएसआर में। समझ में आ गया कैसे कैसे किया? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, तो ये आपको कहां खर्च करना है? सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्यों, गलत हो गया कि ठीक है? ये इसे उतारना तो उतार लो, तो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का लीजिए, उसका एवरेज निकालिए, और जो एवरेज निकलेगा उसका कितना परसेंट? 2%। मतलब तुम शुरुआत वाले में मत काट देना, 15 प्लस 7 प्लस 8, उसको मत काट देना शुरू में ही, वो तो मैंने कर दिया, मेरा मैथ स्ट्रांग है ना, इसलिए काट देता हूं मैं। 15 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, 15 प्लस 7 प्लस 8 क्या है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट, उसका एवरेज निकाले, कैसे निकाले? डिवाइडेड बाय 3, कितना निकल गया? 10, 10 का 2% निकाल दो, कितना निकल गया? रुपीज इन करोड़ लिखे ऊपर में कहीं, ठीक। चलिए आगे चलें, तो अब हम इसी एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। हमारा बताओ तो सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूशन मनी कितना निकला है? 20 लाख, है ना? ठीक, तो अब हम उसी हिसाब से चलेंगे, अब आगे आएगा ना बार बार, वो 20 लाख निकला है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहां से ना बहुत कुछ है। अच्छा, यहां से अलग करो। अच्छा, एक कंपनी को बने हुए 3 साल हुआ ही नहीं है, तो क्या वो सीएसआर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी, या जितना हुआ उसी का एवरेज निकाल के 2%? हैं, कंपनी को बने हुए 2 साल हुआ है, तो 2 साल का एवरेज कि 3 साल का? 2 साल का। कहां लिखा हुआ है जितना हुआ उतना ही का, बताओ तो, वर्ड कहां है? हाँ, तो इसको अलग किया तुमने, ये एग्जाम में आएगा, केस बना के आता है ना, तो जितना हुआ उतना ही का। पर ये प्रॉब्लम कब तक रहेगा मालूम है? बस 3 साल तक, 3 साल के बाद तो मिल ही जाएगा। तो अगर कंपनी को बने में 2 ही साल हुए हैं तो, सिर्फ 2 ही साल का उठाओ नेट प्रॉफिट, उसका निकाल दो एवरेज, तो 2 बार प्लस डिवाइडेड बाय 2, ये होगा ना। चलो अब हाउएवर सब बहुत आ रहा है, अब यहां से टेक्निकल हो गया, 10 मिनट थोड़ा ध्यान देना। आओ, अगर कंपनी नहीं कंट्रीब्यूट कर पाई तो, जैसे अपने एग्जांपल में कितना बन रहा था? 20 लाख कंट्रीब्यूट करना था, कंपनी नहीं कर पाई तो, क्या उसको बोर्ड रिपोर्ट में रीजन बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई, बोलो। लेकिन अब इसको फिर यहां से अब अलग करो, फिर से अभी नया है, फिर पहले ये समझ में आ गया, कंपनी फेस टू कॉन्ट्रीब्यूट है तो उसको बोर्ड रिपोर्ट में क्या बताना पड़ेगा रीजन? या तो बोर्ड रिपोर्ट किसको पहुंचता है? शेयर होल्डर्स को, सबको पहुंचता है ना, एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनता है। आगे, अच्छा, अगर अनस्पेंट अमाउंट जो है वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है तो जो सच अनस्पेंट अमाउंट है उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा एक फंड में, जो फंड कहां बताया गया है?
कितने मंथ में? 6 मंथ कहां से गिनोगे? जिस दिन तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, एकदम सेम तुम्हारा डिविडेंड वाला। डिविडेंड अगर तुम 30 दिन के अंदर नहीं दे पाते हो तो वो जाता है अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, कुछ साल वहां रहता है। कितना साल? 7 साल। उसके बाद वो कहां जाता है? IEPF। तो यहां पे भी ऐसा ही है। तो इस सेक्शन में इतना लिख के छोड़ दिया था, अब उसके ऊपर और भी चीजें आ गई अमेंडमेंट कर करके। देखना तुम सब, ये सब सेक्शन 5 है ना। अरे सब सेक्शन 5 मेनली क्या बोलता है, बोलो जल्दी, कि भाई आपको 2% खर्च करना है। अब 2% ही मैं बोल रहा हूं, एवरेज नेट प्रॉफिट 3 साल का कितना बोलूंगा मैं। तो 2% कितना निकला था अपना? 20 लाख। तो 20 लाख मालूम चला तुम नहीं खर्च, अच्छा 20 लाख ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में लगा हुआ है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लगा तो दिया हमने। अरे प्रोजेक्ट चल ही रहा है ना, अब जरूरी थोड़ी कि उस साल में रोड बन के तैयारी हो जाए। अरे भाई 20 लाख का रोड बनाने का टेंडर दे दिया है, वो अपना काम शुरू है, वो धीरे धीरे पैसा ले लेगा मेरे से। लेकिन एकदम काम शुरू ही नहीं किए हो तब तो तुमको वो पैसा कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? अनस्पेंट CSR अकाउंट। क्या नाम होगा उसका? अभी आएगा, आएगा, आगे आएगा, चिंता मत करो। चलो अगला।